नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मैं हूं अमिताभ रंजन। 3 फरवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कांग्रेस जन आकांक्षा रैली करने जा रही है। ऐसे में इस रैली को सफल बनाने के लिए मोकामा के विधायक अनंत सिंह पूरी जोर तोर से लग चुके हैं। पटना के मिलर स्कूल में लोगों को खाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। खुद हमारे साथ अनंत सिंह हैं, उनसे हम सीधा बात करते हैं। सर, 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में जो जन आकांक्षा रैली होगी, उसके लिए आप तैयारियों में लगे हुए हैं, क्या कुछ अभी तक तैयारी है? तैयारी कज करता है, कुछ खाना की तैयारी किया है। जनता आवेगा खेत से, कज करता कुछ खाना बनवा रहा है, हम खाना देख रहे हैं क्या क्या इंतजाम किया है। कितने तकरीबन कितने लोग जो है इस रैली में आएंगे, उनके खाने के लिए आप इंतजाम करवा? यहाँ कज करता 1 लाख आदमी किया है। तो कुछ स्पेशल भी है सर, जो मुकामा से लोग आएंगे आपका वहाँ? नहीं, कोई स्पेशल नहीं है, सबको एक खाना, सबके लिए एक खाना है, सबको एक समान। हाँ, एक क्या कांग्रेस से बात हुई है सर, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या अखिलेश जी? नहीं, किसी से हमको बात नहीं है, अपना हम काम कर रहे हैं। उम्मीद आपको कितनी लग रही है सर कि टिकट दे सकते हैं? उम्मीद तो हमको 200% है, मतलब आपको पूरा विश्वास है कि? हाँ, पूरा विश्वास है। तो अगर अभी तक आप 3 से 4 बार मुकामा के विधायक रह चुके हैं और अब आप सीधा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर आप चुनाव जीत के जाते हैं संसद में, तो अपने क्षेत्र के लिए आपका पहला प्रायोरिटी क्या होगा? पहले तो किसान लोग उठा देंगे वहाँ मुद्दा, किसान की जितना दिक्कत यहाँ है, किसान गरीब यहाँ दिक्कत में। सर, 3 मार्च को NDA के तरफ से भी रैली किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जो है वो खुद आने वाले हैं, उस पर क्या कहेंगे? अपना अपना रैली कुल करवे करें, कुल पार्टी रैली करता वो भी करेंगे। क्या जो रैली कांग्रेस करवा रही है जन आकांक्षा रैली, उसमें जो भीड़ की संख्या होगी, क्या उससे कम होगी या ज़्यादा होगी NDA में, आपको क्या लगता है? पहले हम कैसे बता दें, ये हम जान रहे हैं कि जो रैली होने के लिए 3 तारीख के जा रहा है, कि गांधी मैदान नहीं भरेगा, समूचे पटना भर जाएगा। महागठबंधन से भी कई लोग हैं जो कि आपके कांग्रेस में जाने से असहमत दिख रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं सुने, ऐसा बात हम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि हमको 200% है कि टिकट मिलेगा, महागठबंधन मिलेगा तब भी हमको लड़ना है, ये हम लड़ेंगे, चाहे वो निर्दलीय लड़े। हाँ हाँ, दलीय हो निर्दलीय हो, हम लड़ेंगे। तो अगर महागठबंधन में कई चेहरे हैं, उसमें अगर किसी एक चेहरे को अगर आप माने बड़ा चेहरा, तो कौन? वो चेहरा का बड़ा छोटा नहीं मानते, जनता मालिक होता है वोट, जनता जिसको वोट देगा तो बड़ा चेहरा हो गया, जिसको नहीं दिया छोटा चेहरा हो गया। तो नरेंद्र मोदी का जो रैली होगा सर 3 मार्च को, वो क्या नरेंद्र मोदी छाप छोड़ेंगे पटनावासियों पे? नरेंद्र मोदी कोई देखने के लिए नहीं जाएगा, रैली करेंगे कोई लोग नहीं जुटे। कांग्रेस इस बार रिकॉर्ड तोड़ी क्या, क्योंकि लंबे समय के बाद कांग्रेस का ये रैली होने जा रहा है? जनता का तो चाहिए ना काम करने वाला आदमी, दोनों पे कमियाँ निकल गए, बिहार सरकार भी दिल्ली सरकार भी, तो लोग आशा लगा के उधर वोट देगा, फिर इन्हें काम करेंगे तो फिर खोजेगा, फिर उनको देगा, जो काम नहीं करेगा जनता उनको वोट नहीं देगा। तो आपका सीधा कहना है कि नरेंद्र मोदी की रैली में लोग नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन काम किए, आप 200 रुपया कुल लगा दिए हैं, देश की जनता के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, खत्म कर दिया, भले किया हो नहीं, आप बर्बाद कर दिया। तो अनंत सिंह है, सीधा इनका कहना है जो 3 मार्च को नरेंद्र मोदी की रैली है, वो रैली में कोई लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की रैली में इतने लोग आएंगे कि लोगों के लिए यहाँ पे पटना में जगह नहीं होगा। लेकिन बहरहाल अब तो रैली के बाद ही सामने आएगा, जो तस्वीरें होंगी वो रैली के बाद स्पष्ट होंगी कि रैली कितनी सफल थी। वीडियो जर्नलिस्ट रैना सिंह के साथ अभिनव रंजन, हेडलाइंस इंडिया।